तो मिले। जी जी। जी। बस बहुत धन्यवाद मुझे शुजात अली साहब का ठीक है आ रहे हैं अभी वापस वापिस जी।, जी मैं पहले अनिल सिन्हा जी को लेता हूँ और इस बीच एक इंफॉर्मेशन आप दे देता हूँ कि रूपी लगातार क्रैश होता चला जा रहा है आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इस तरह संभाल नहीं पा रही है तिरासी रुपए अट्ठावन पैसे पे आ गया है और आरबीआई के कल का स्टेटमेंट आया है जिस है जिसमें उन्होंने कहा कि रूपी मे मे टच 84 द एंड ऑफ जून और बी अराउंड और उनका कहना है कि अब हम बहुत ज्यादा नहीं रोक पाएंगे हालांकि आज रूपी क्रैश हो रहा था आरबीआई ने बहुत बड़े लेवल पे इंटरवीन किया है और सैकड़ों क्या कहते हैं डॉलर करोड़ों डॉलर से कहते हैं बिलियंस डॉलर्स छोक दिए मार्केट में रूपी को तरे तिरासी रुपए अट्ठावन पैसे पे रोकने के लिए एक और एक और महत्वपूर्ण खबर जो आपको बता दूं जो मैंने एक अपना एपिसोड जो कल आया था कि जहां पर बिहार को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेल्प देने की शुरुआत हो चुकी है वो इसलिए कि कल एक पहला डेवोल्यूशन हुआ है टैक्सेस का जिसके अंदर बिहार को ग्यारह हजार करोड़ और उत्तर प्रदेश को पच्चीस करोड़ की पहली किस्त दी गई है इसमें बिहार का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मंथली वो सिर्फ एक हजार पांच सौ करोड़ का है और इनकम टैक्स का मिला के लेस का है लेकिन उसको जो इस किस्त में दिया गया है ग्यारह हजार करोड़ यानी कि जो रेशो आता है इनका ऑफिशियल रेशो फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन के हिसाब से एक रुपए जब बिहार देता है केंद्र को तो उसको सात रुपए छह पैसे दिए जाते हैं यानी कि आप किसी और के पैसे ले रहे हैं वो पैसे आप दक्षिण भारत से और पश्चिम भारत से ले रहे हैं और उस पैसे को आपको बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है उसके बाद भी आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए महाराष्ट्र एक रुपए देता है उसको आठ पैसे वापस मिलते हैं कर्नाटक पंद्रह पैसे देता है उसको कुल मिला के पंद्रह पैसे वापस मिलते हैं अगर एक रुपए सॉरी कर्नाटक एक रुपए देता है तो पंद्रह पैसे वापिस मिलते हैं अगर तमिलनाडु एक रुपए देता तो अट्ठाइस पैसे वापिस मिलते हैं और यूपी अगर एक रुपए देता तो उसको दो रुपए तिहत्तर पैसे वापिस मिलते हैं और यूपी का पूरा कंट्रीब्यूशन करीब 10 से ग्यारह हजार करोड़ था उसको कल पच्चीस हजार करोड़ का चेक दे दिया गया कर्नाटक जो आपको बारह हजार करोड़ से ज्यादा पर मंथ दे रहा था उसको जो शेल आउट किया गया सिर्फ पांच हजार आठ सौ करोड़ दिया गया है और तमिलनाडु जो दस हजार करोड़ दे रहा था उससे भी ज्यादा उसको सिर्फ पांच हजार करोड़ दिया गया देर इज लॉट ऑफ हार्ट बर्न सेवन टाइम्स मनी लेने के बाद भी अगर नीतीश बाबू ये कहते हैं कि मुझे और स्पेशल स्टेटस दिया जाए तो फिर किसके हिस्से का पैसा लेके आपको दिया जाएगा सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है और इवन फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि हम आपकी कब तक मदद करेंगे आप पुअर हो पिछहत्तर साल से हो सब पुअर थे उससे पहले लेकिन देर से लिमिट टू इट कि कब तक हम दूसरों का पेट काट के आपको देते रहेंगे अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं तो क्योंकि अगर आप एक हजार करोड़ देते हैं तो आपको सात हजार करोड़ केंद्र वापस दे देता है इससे ज्यादा और आपको स्पेशल स्टेटस क्या चाहिए तो इसके ऊपर एक खास हमारा एपिसोड है जो आ चुका है कल देखिएगा उसको अनिल सिन्हा जी जो मीनू जैन जी ने बात की कश्मीर के हालात फिर से खराब हो चुके हैं घाटी से निकलकर पूरा का पूरा आतंकवाद जम्मू में आ चुका है मणिपुर जल रहा है भागवत भी बोल चुके हैं पंजाब सिमर कर रहा है अंदर से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बाकी जगह भी तबकों में बटा हुआ हिंदुस्तान शायद बहुत बड़े खतरा हमारे सामने हैं लेकिन कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है शायद डिवाइडर इन चीफ है हर जगह पे आपको देखने को मिल रहा है जी नहीं नहीं देखिए ये आपने जो कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो है नहीं पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो दिखाई दे रहा है जो इलेक्शन हुए और उसमें जिस तरह से बेन्त सिंह का पोता और दूसरा शख्स जो है जीत करके आया दो उससे पता चलता है वहाँ के लोगों का मूड तो ये जो सेपरेटिज्म है जो अलगाववाद है वो तेजी से ये उठ रहा है और जो जिसको की खत्म करने में बहुत मेहनत लगी थी वो और उस वो नैरेटिव ख़त्म हो गई थी लेकिन बीजेपी ने ये हिंदू हिंदू करके और लगातार और एक तरह से प्रो हिंदू वाला जो सेंसिटिव जो था ये क्या कहते हैं एरिया जो उसको फिर से जगा दिया है और ये इसको आप रोक नहीं पाएंगे इस तरह से और कश्मीर में जो उन्होंने किया 370 के हटाने के नाम पर वो 53 में जनसंघ जब बहुत कमजोर हालत में थी और उसने मदद की थी हरी सिंह की महाराजा हरी सिंह की मदद की थी और ये तीन सौ लगाने में महाराजा हरि सिंह का भी रोल था लोगों को इतिहास भी जानना चाहिए क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस चाहते थे और उसमें लेकिन उनका रोल कम करके वो जनता का रोल करके दिया ये नेहरू ने इसके लिए उनके खिलाफ थे तो ये लोग तो देश देखे क्या है मेरी आज तक मैंने जहाँ तक इतिहास पढ़ा है हिंदू महासभा का आरएसएस का या जो भी हिंदुत्ववादी शक्तियाँ हैं उनका जो हाँ तक इतिहास पढ़ा है कभी भी देश के इंटेग्रेशन में इनकी कोई भूमिका नहीं थी इसको तोड़ने में ही इनकी भूमिका थी और जो देश विरोधी ताकतें थी उनके साथ थे लेकिन ये देश में एक तो मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं एक तरह का कम्युनलिज्म हमारे यहाँ मौजूद रहा जिसकी वजह से इनको देशभक्त का मान लिया गया नहीं तो ये तो इनको तो फिफ्टीज में ही निपटा देना चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने तो बयालीस के आंदोलन में भी विश्व युद्ध में भी सब में अंग्रेजों की मदद की और तो देश पक्के मतलब देश थे देश के खिलाफ काम किया लेकिन उसके बाद भी करता है कि हम देशभक्त हैं और लोग इस नैरेटिव को कैसे स्वीकार करते हैं तो मेरी समझ में कभी आया नहीं अभी भी क्या किया इन्होंने अभी जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख जम्मू कश्मीर या जो क्या कहते हैं जो और इलाके हैं उसके मिले हुए कारगिल ये सब मिला के जो एक कम से कम एक समझिए क्या कि एक जो मतलब एक हिंदुस्तान जिसको आप बोलते हैं जिसमें कि सब लोग रहते हैं बौद्ध रहते हैं हिंदू रहते हैं मुसलमान रहते हैं इसका एक स्वरूप था उसको इन्होंने जान करके और ये अंग्रेजों का फार्मूला था कि अलग अलग कर दो इन लोगों को वैल्यू को अलग कर दो वैल्यू को अलग करने से कश्मीर को अलग करने से तो आप पाकिस्तान के जो नैरेटिव है मूल नैरेटिव कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो चले जाए पाकिस्तान में वो उसी को आप मजबूत करते हैं और दूसरा ये है कि बताया नहीं जाता शेख अब्दुल्ला खान खान और बलूचिस्तान के समद खान इन लोगों ने जिस समय में कि मुस्लिम लीग ये सब मुस्लिम और अल्लाह बख्श ये सिंध के इन सारे लोगों ने जबकि मुस्लिम लीग पूरे देश में फैल रही थी बंगाल में ताकतवर हो गई थी लेकिन पंजाब में भी अपना सर उठा रही थी लेकिन ये मुस्लिम नाइन्टी परसेंट से ज्यादा यहाँ आबादी थी एटी परसेंट से ज्यादा आबादी थी कश्मीर वैली में लेकिन इन लोगों ने मुस्लिम लीग को विरोध किया और हिंदुस्तान के पक्ष में रहे वहाँ तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खान अब्दुल गफार खान तो उनकी सरकार तो पाकिस्तान बनने के बाद गई वो कांग्रेस की सरकार थी तो ये जो है ये इतिहास हम लोग बताते नहीं कि मुस्... अगर भारत की एकता के लिए जो लोग खड़े रहे उन लोगों में ये लोग अगुआ आग, आग, लोग थे तो उनको ही विलेन बना दिया शेख अब्दुल्ला को शेख अब्दुल्ला ऑटोनोमी मांगते थे उस पर बहस हो सकती है कि उनकी जो स्ट्रेटजी बाद में थी वो सही कितनी थी उन्होंने जो जिस तरह की पॉलिटिक्स की क्या वो पॉलिटिक्स उनके वो, मतलब आ, सही रास्ते पर ले जाने वाला था वो अलग बात है लेकिन वो जो सेकुलर इंडिया बनाना चाहते थे वो है किया उन्होंने वही पंजाब में किया इन्होंने पंजाब में अकाली दल को और सेपरेटिज्म को अकाली दल के साथ रहे अकाली दल को साथ दिया अकाली दल जो सेपरेटिज्म है अलगाववाद है उसका तो जड़ तो मतलब उसकी जड़ें तो अकाली दल की पॉलिटिक्स में है और वहां भी ये पहले एंटी मुस्लिम मामला था और बाद में एंटी सिख भी किया इन्होंने और जो ये जो पंजाबी सुबह का आंदोलन था उसमें तो इन, उस समय तो पंजाबी लोग जो पंजाबी बोलते थे हिंदू पंजाबी उन्होंने हिंदी लिख करके अपना दिया ये कर, किया तो डिवीजन तो इन्होंने डिवीजन कराने में इनकी मदद शुरू से रही आ, हिंदी के पक्ष में थे ये इसी तरह से सा, साउथ में देख लीजिए साउथ में भी वो क्या करने जा रहे हैं वो साउथ में चाहते हैं क्या कि हिंदुत्व जगे वो ये नहीं चाहते कि भारतीय भारतीयता जगे तो ये जो भारतीयता और हिंदुत्व का खेल है और नॉर्थ ईस्ट में भी यही किया है उन्होंने आसाम ले लीजिए मणिपुर ले लीजिए त्रिपुरा तो तो इंडिया गठबंधन के, के साथ उस शिवसेना का जो सेपरेटिज्म था उसको बीजेपी मदद करती थी जितने सेपरेटिज्म का तत्व तो है उसके साथ रहा ये और मुस्लिम लीग के साथ था आजादी के पहले अब बाद में जो है सो ऐसे ही इन लोगों के ही साथ है तो ये तो देश को तोड़ने वाली डिवाइडर सही है वो तो पूरा डिवाइड करके ही लेगा और अभी वो 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 जो डिलिमिटेशन का मामला है, वो मामला है वो आएगा और अंत में उसमें अंत में और देखा नहीं जौनपुर का आप देखिए ना भारत का कोई प्रधानमंत्री इतना इरेस्पॉन्सिबुल और इतना गंदा क्या कहते हैं मन का होगा ये आप सोच सकते क्या जौनपुर में उन्होंने जो भाषण दिया जो इसके खिलाफ दक्षिण भारत के खिलाफ और वो उसको बताया कि ये लोग समर्थन करते हैं उन लोगों का जिनकी पिटाई करते हैं जो पिटाई करते हैं उत्तर भारतीयों का अब बताइए कि इनको इनको उत्तर मतलब जो जौनपुर के लोगों को भड़का रहा था ये चेन्नई इनके मद्रा ये तमिलनाडु के खिलाफ तो ये जो है ये निश्चित तौर पर देश को तोड़ने वाला हिस्सा है और ये नैरेटिव लोगों को बताना बहुत जरूरी है इनके रोल को अभी के रोल को और बात ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है जहां भी डिवीज़न हो सकता है सत्ता के लिए और वो सत्ता किसके लिए सत्ता अडानी और अंबानी के लिए उसके लिए असल में कुछ भी कर सकते हैं और आरएसएस और ये बीजेपी दोनों असल में सेठों के, के, के पक्ष में रहने वाला संगठन है ये और ये देश को बांटने के लिए किसी भी तरह पर सिर्फ फायदा उनको सब चीज उनको दे दे इनकी यही कोशिश है आपके जाने से पहले अपने मालूम आपको जाना है दूसरे चैनल पे एक प्रश्न कर लेता हूँ एक ऐसे शब्द से जिससे शायद बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे मैंने सुबह शब्द का उपयोग किया मैं आपको बताऊ और मेरी ऑब्जर्वेशंस कुछ आई हैं मैंने कुछ आरएसएस के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जो सरसंघ चालक भागवत का कल बयान आए हैं मैंने कहा मैं आपको एक बात आज बताना चाहूंगा आप सुनकर चौंक जाएंगे कहते हैं वो क्या है मैंने कहा आरएसएस के भारत में सरसंघ चालक मोहन भागवत नहीं है सरसंघ चालक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और दत्तात्रेय होस बोले और भागवत उनके असिस्टेंट हैं और जो रिटर्न स्पीच दी जाती है भागवत उसको बोल के आते हैं भागवत को नजर नहीं आता था कि मणिपुर एक साथ से जल रहे अब याद आता है तो आग किसने लगाई थी फिर ये बाकी जगह जो आग लगी हुई है वो किसने लगाई है इन एक्चुअलिटी दोनों में कोई भेद नहीं है ना आर ना बीजेपी में सच कहा जाए तो आज की डेट में जिस ढंग से आर ने घुटने टेके हुए हैं आरएसएस का जो सारा चीफ है उसका सारा काम मोदी करते हैं सारे गवर्नर्स सारे वाइस चांसलर्स सारी एजुकेशन के अंदर पूरे प्रोफेसर उसके अलावा इंस्टीट्यूशन के चीफ उसके अलावा आर्मी के अंदर उसके बाद जजेस हर चीज मोदी ने किए और वो भागवत की सलाह पर नहीं किए क्योंकि आज की डेट में आर का चीफ मोहन भागवत नहीं है नरेंद्र दामोदर दास मोदी है भागवत सिर्फ उसकी रिटर्न स्पीच को जो मोदी के द्वारा दी जाती है वो पढ़ता है वहां जाके कि कवर फायर देना है मोदी को वो कवरिंग फायर दे रहा है कि हाँ ये आग लगी है तुम तो उसको देखते क्यों नहीं सॉफ्ट देना चाह रहा है इस बात से लोग बहुत सारे चौंकेंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आर के चीफ बिल्कुल हंड्रेड है वही सब कुछ कमांड कर रहे हैं आर को वही चला रहे हैं बीजेपी को भी वही चला रहे हैं अब उसके नुकसान हो या फायदे अलग है

पी एम में बैठता है आरएसएस का भेजा हुआ आदमी जो आरएसएस और इनके बीच पार्टी में तो बैठता ही है तो बहुत पहले से संगठन सचिव होता है आर से आया हुआ वो आदमी इन पीएमओ में बैठता है उस आदमी से ही मिल चुका हूँ एक बार जो आदमी पीएमओ में आर का रिप्रेजेंटेटिव है था अब अब तो अब नहीं है तो वो जो है वो आदमी और वो उस समय जब मतलब ये बात बता रहा हूं मैं चौदह मतलब जब सत्ता आने के एक डेढ़ एक साल पहले चौदह पंद्रह की बात बता रहा हूँ पंद्रह के बाद उस समय उन्होंने वो लिस्ट मांगते थे आर एस एस से कि कौन अपने लोग हैं ब्यूरोट जिनको काम पोस्टिंग चाहिए और आपको आश्चर्य होगा कि उस शख्स ने समझा मुझको कि ये तो साधारण पत्रकार है इनका तो कोई कमिटमेंट होगा नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपके कोई ब्यूरोक्रेट परिचित हो तो आप मुझको उसका नाम बताइए तो हमने कहा क्या कि भाई वो ब्यूरो हमारा हम हमको ना ब्यूरोक्रेट से संबंध है दूसरा है कि, कि आप जो आर एस एस की तरफ से लिस्ट दे रहे हैं वैसे ब्यूरोक्रेट का तो मैं नाम दे भी नहीं पाऊंगा तो क्योंकि मैं तो कन्फर्म क्या कहते हैं सोशलिस्ट और मैं इसको छिपाता भी नहीं तो हंसने लगा वो तो क्योंकि हमारी पा, जगह पार्टी में मुलाकात हो गई थी और उसके बाद है ये कन्वर्सेशन हुआ हमारा तो वो जो है वो लिस्ट लेकर के जितने आर एस जितने वाइस चांसलर्स गवर्नर्स गवर्नर्स के बारे में तो खैर वो खुद तय करते हैं लेकिन उसमें भी उनका रिकमेंडेशन जाता है आरएसएस के लोग सारे वाइस चांसलर और चांसलर्स, चांसलर्स जहाँ भी ये है वाइस चांसलर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राय ये यूनिवर्सिटीज में मतलब इवन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ भी उन्होंने बहाल किए हैं जितने थिंक टैंक हैं जितने गवर्नमेंट फंडेड आईसीएसएसआर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो सब उनके लिस्ट से जा रहा है तो ये आपका खाली संशोधन में करूंगा कि आर बीजेपी एक है लेकिन उनकी सलाह से नहीं हो रहा ये मैंने आपको वो पूरा कंट्रोल मतलब क्या कर रहे हैं कि भागवत ही उनके हाथ के खिलौने में है और इसीलिए वो दोनों मिल करके -कर करते हैं और कोई कोई ये मतलब ये जो बीच में नैरेटिव चलाई जा रही है यूट्यूब में भी कि आर जो है उनको कंट्रोल करना चाहता है या बीच में चला था चुनाव के समय में भी कि उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया है और अब जो है सो आर उनको चाहता है कि वो सुधर जाए अरे आर ने उनको पैदा किया है आर और अमित शाह उनका पैदा किया हुआ नहीं है उन्हीं के लिए काम कर रहा है और आरएसएस एस काम करता है कॉरपोरेट के लिए और इनके लिए मतलब जो बड़े लोग हैं वो तो आप हिंदू महासभा की जो ऑफिस वेयर की लिस्ट है नाइनटीन फोर्टीज और थर्टीज की उसमें भी आप देख सकते हैं कि जितने सेठ लोग थे वही उनके अन्य चंदादाता नहीं उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयरमैन वो तो सावरकर वगैरह तो बाहर का ऐसे ही दिखाने वाला फेस था तो उनकी जो उनकी जो एग्जीक्यूटिव एक्ष्कु, एक्ष्कु, कमेटी थी उसमें बड़े बड़े कारखानेदार थे जगह मतलब नाम याद नहीं आ रहा कुछ यूपी के कुछ ये उस समय के बड़े बड़े सेठ थे और ये भी चंदा देते थे बिरला भी चंदा देते थे हिंदू महासभा के बहुत करीब थे तो ये आप जान लीजिए कि ये लोग अंत तक काम करते हैं लेकिन मुझको आश्चर्य ये होता है कि ये लोग देशी पूंजीपति के लिए काम करें तो ठीक है लेकिन जो पूंजीपति विदेश से विदेशी हित के लिए है जो बाहरी कंपनियां हमारा शोषण कर रही है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता बीच में यह हंगामा भी शुरू किया था स्वराज आपको याद होगा ये स्वदेशी वाला चला था नाइन्टीज में आर एस एस स्पर्ड था जिसमें कि जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जैसे लोग भी शामिल हो गए थे क्योंकि उन लोगों का तो बिना पेंदी के लोटा थे तो उन्होंने इनके साथ हो, हो गए थे इसीलिए मैं मैं कहूंगा कि कि ये आप एकदम सही बोल रहे हैं दोनों मिले हुए हैं और दोनों देश को तोड़ देंगे अगर इनको रोका नहीं गया तो जी, ओम सैनी जी के पास आता हूं धन्यवाद अनिल सिन्हा जी आप कभी विश्व साइन ऑफ कर सकते